हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानिए लंबे बालों वाली लड़कियों को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आजकल लड़कियों में लंबे बाल करने का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में लड़कियां अपने बालों को लंबा तो कर लेती हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने में कमी कर देती हैं। जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, उन्हें रोज़ नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बालों का टूटना, उलझना। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप कौन कौन सी गलतियां करने से बचें। सूखे बालों को सुलझाना। अगर आपके बाल लंबे हैं तो वो बेमतलब उलझ जाते हैं, ऐसे में जब वो गीले हों तभी उनको सुलझा लें। जब भी बालों में शैम्पू करें, कंडीशनर लगाएं, तब मोटे दांतों वाले कंघे से बालों को सुलझाएं, जिससे बाल सूखने के बाद भी उलझे नहीं। ड्राई शैम्पू की जगह हेयर स्प्रे का प्रयोग। बालों को धोने के तुरंत बाद भी आप ड्राई शैम्पू का प्रयोग कर सकती हैं। हेयर स्प्रे रूखा और चिपचिपा हो सकता है। इसके अलावा अगर इसे ठीक से प्रयोग ना किया जाए तो ये बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं ड्राई शैम्पू को बालों पर बिल्कुल थोड़ा सा ही प्रयोग करना पड़ता है, इससे बाल घने दिखते हैं। रेगुलर पोनीटेल बांधना। आपको अपने बालों को सांस लेने के लिए खुले छोड़ देना चाहिए। जब आप वर्कआउट करने के लिए अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधती हैं तो नीचे लटकते हुए बाल जड़ों पर भार डालते हैं। ऊंची पोनीटेल बांधने के बजाय आपको बेबी पिंस के प्रयोग से ढीली चोटी बांधनी चाहिए। सोते समय बालों को खुला छोड़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। बालों को एक ढीली चोटी में बांध कर सोना चाहिए, जिससे वो सुबह उलझे नहीं। साथ ही कोशिश करें आपके तकिए का कवर सिल्क का हो, जिससे बाल कम से कम उलझें। बालों में तेल ना लगाना। बालों में अगर तेल नहीं लगाएंगे तो उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए बालों को शैम्पू करने से पहले उनमें तेल ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि लंबे बालों वाली लड़कियों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।